हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान। आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी करवाई जा रही है, और इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम आप सभी के लिए गद्यांश लेकर आए हैं। गद्यांश के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, ये हिंदी का हमारा पार्ट वन होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह के आपको एग्जाम आपका जो 18 दिसंबर को है, ये पार्ट वन होने वाला है, और इसी तरह के आपको वीडियो डेली मिलते रहेंगे। ये पार्ट वन है, ठीक है, और डेली आपको वीडियो देखते रहना है। इस तरह के आपको कम से कम 10 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे जब तक पेपर होगा। 12 पार्ट, सॉरी, 12 दिन बचे हैं, आज 6 दिसंबर हो चुका है, तो आज से लगा लीजिए, ये पार्ट बना आज ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कल पार्ट टू आपको ये हिंदी का देखने के लिए मिलेगा। सभी तरह के आपको वीडियो आप चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और सबसे पहले एक बात आप ये सुन लीजिए, मैं खुद विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ, और विद्याज्ञान स्कूल का पेपर कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी को लेकर मैं आपको ये गद्यांश करवा रहा हूँ हिंदी के। ठीक है, तो हिंदी भी एग्जाम में आता है, हिंदी बहुत ही ज़्यादा मेन रोल अदा करता है विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा पास करने में। तो आपको हिंदी का गद्यांश कैसे करना है, पढ़ के आपको सही से उत्तर देना है। सबसे पहले देखो, हम इसको ये गद्यांश दे रखा है, ये गद्यांश जो है इसमें हम आज के वीडियो में हम 2 गद्यांश करने वाले हैं, और प्रत्येक गद्यांश में आपको पता है कि 5 प्रश्न होते हैं, यानी कि 10 प्रश्न हम करने वाले हैं, और ये पार्ट हमारा पहला है हिंदी का। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्ट पहला है, तो पार्ट पहले को हम शुरू करते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। यहां पर कह रहे हैं, सत्य के अनेक रूप होते हैं, इस सिद्धांत को मैं बहुत पसंद करता हूं। इसी सिद्धांत ने मुझे एक मुसलमान को उसके अपने दृष्टिकोण से और ईसाई को उसके स्वयं के दृष्टिकोण से समझना सिखाया है। जिन अंधों ने हाथी का अलग अलग तरह वर्णन किया है, वे सब अपनी दृष्टि से ठीक थे, एक दूसरे की दृष्टि से सब गलत थे, और जो आदमी हाथी को जानता था उसकी दृष्टि से सही भी थे और गलत भी थे। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बहा चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब बहा चिन्ह केवल आंडवर बन जाते हैं तो अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्मों से अलग बताने के काम आते हैं, तब ये त्याज्य हो जाते हैं। तो देखिए, बेसिकली इस गद्यांश में अभी हमको समझ आ रहा है कि धर्म के बारे में बात हो रही है, अनेक धर्म के बारे में, उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया, त्याज्य हो जाते हैं। धर्मों के भ्रांत मंडल का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह हिंदू को अधिक अच्छा हिंदू एक और एक मुसलमान को अधिक अच्छा मुसलमान और एक ईसाई को एक अधिक अच्छा ईसाई बनाने में मदद करे। दूसरों के लिए हमारी प्रार्थना वह नहीं होनी चाहिए, ईश्वर तो उन्हें वही प्रकाश दे जो तूने मुझे दिया है, बल्कि यह होनी चाहिए तू उन्हें वह सारा प्रकाश दे जिसकी उन्हें अपने सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यकता है। तो देखो, जब विद्याज्ञान स्कूल का पेपर देने जाओगे 18 दिसंबर को, तो वहाँ पर आपको हिंदी में 4 गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे। हम प्रत्येक वीडियो में आपको 2-2 गद्यांश करवाएंगे, और आने वाले टाइम तक आपकी हिंदी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अब हमने इसको ऐसे पढ़ लिया, इसी तरह का गद्यांश विद्याज्ञान स्कूल के पेपर में आएगा मिलता जुलता। अब देखो, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं लेखक किस सिद्धांत को पसंद करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सत्य के अनुरूप होते हैं, इस सिद्धांत को मैं बहुत पसंद करता हूँ। सत्य के अनुरूप यहाँ पर पसंद किस कर सकता है, सत्य के अनुरूप होते हैं। अब यहाँ पर देख लो, सत्य के अनुरूप होते हैं, ठीक है, अनेक रूप होते हैं, तो किसको पसंद करता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा। हमने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन ही करने वाले हम, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से करेंगे, देखेंगे। और देखो ये वाला, देखो क्वेश्चन, अब लेखक किस कथा का जिक्र करता है, अंधों द्वारा बकरी का वर्णन, अंधों द्वारा हाथी का वर्णन, अंधों द्वारा आदमी का वर्णन, कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जो एक इन्होंने एग्जाम्पल को लेकर किस चीज़ का वर्णन किया था, हाथी को लेकर, जिन अंधों ने हाथी का अलग अलग तरह, देखो हाथी आ रहा है ना, तो हाथी वाला देख लो उसमें किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, अंधों द्वारा हाथी का वर्णन। तो इसी तरह से आपको विद्याज्ञान स्कूल के पेपर में जो है हिंदी के गद्यांश को करना है। आप देखो आगे भी हमारे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, धर्म की पृथकता दर्शाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, बाह्य चिन्ह, सिद्धांत, संघ, समर्थकों की। तो देखो, धर्म की पृथकता दर्शाने के लिए किस चीज़ की मतलब जरूरत होती है, तो इन्होंने बोला बाह्य चिन्ह केवल अंडवर बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आप गद्यांश को इसको पढ़ोगे अच्छे से, तो हमने इसको पढ़ा है, देखो यहाँ पर आवश्यकता होती है, जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है। किसकी, विशेष बाह्य चिन्ह की। अब हमने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कौन सा था, ये देखा दे रखा था वाह चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, अपना कर लिया हमने, देखो 1, 2, 3 और ये हमारा 4th क्वेश्चन ही है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसका, है ना। तो प्रत्येक गद्यांश में दोस्तों, अगर आप भी विद्याज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका पेपर होगा विद्याज्ञान स्कूल का, उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं, मॉडल सेट उसको कहते हैं, और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18
दिसंबर को पेपर होने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मॉडल सेट खरीदने अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, PDF के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है, पेमेंट आपको फोन पे पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूँ, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो आप कोर्स की एक झलक देख सकते हो, मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर विद्याज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर बन। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन, हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 अध्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है विद्याज्ञान स्कूल में, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पर करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया। मैं और भी दिखाता हूं आपको नीचे करके, देखिए 272 पेज का आप देख रहे हो, कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहां पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के, यहां पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ देख लो, बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिया गया, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्याज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है, जल्दी जाइए इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे पेटीएम गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। 5 क्वेश्चन आपको वहां पर विद्याज्ञान स्कूल के पेपर में मिलेंगे देखने के लिए। और देखिए ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता देता हूं, देखिए हमारे द्वारा विद्याज्ञान स्कूल के लिए 5 मॉडल पेपर बनाए गए हैं, 5 मॉडल पेपर जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे। मॉडल पेपर का प्राइस 375 रुपये है बच्चों, कितना 375 रुपये के 5 आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन कीजिए, फोन पे व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। और जल्दी से अपनी तैयारी और मजबूत करने के लिए 5 मॉडल पेपर आपको जरूर से ले लेना है। मॉडल पेपर में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, आप देख रहे हैं हम फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो मॉडल पेपर में आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट मिलने वाला है, ओके। तो देखो अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे दे रखा है चौथा क्वेश्चन हमारा ये वाला, देखिए प्रत्येक अध्याय में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो चौथे क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। धर्म के भ्रात मंडल का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अब देखो मैं आपको ये हिंदी की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। देखो आप देखो ये गद्यांश था, हमने इसको क्या किया, हमने अच्छे से पढ़ लिया, एक ही बार पढ़ा है मैंने, 2 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर आपको टाइम भी नहीं होता ज़्यादा, तो मैंने एक बार इसको पढ़ा, उसके बाद आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ सॉल्व, है ना। आप इसका जो PDF अगर लेना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है। धर्म के भ्रांत मंडल का क्या उद्देश्य होना चाहिए? हर व्यक्ति को अच्छा बने। तो देखो धर्म के मतलब धर्म के भ्रांत जो मतलब अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्मों से अलग बताने का काम करते हैं, वे त्याज्य हो जाते हैं। यहाँ पर है धर्मों का भ्रांत मंडल का उद्देश्य होना चाहिए कि वे हिंदू को अधिक अच्छा और एक मुसलमान को अधिक अच्छा और एक मतलब ईसाई को मतलब अपने अपने धर्म को अच्छा ही बोले। मतलब क्या होता है मेन उद्देश्य क्या पूछा गया है, आप देखिए इसी को लेकर हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। धर्म के भ्रांत मंडल का क्या उद्देश्य होना चाहिए? हर व्यक्ति अच्छा बने। उसके बाद और भी ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, ऐसे करूँगा थोड़ा ये वाला आगे ऑप्शन इसमें दे रखा है इस वाले पेज में। तीसरा ऑप्शन है धर्म का कट्टर समर्थक बने, काबा खा और कोई नहीं। तो देखो ये तीसरा हो जाएगा, मतलब हर व्यक्ति अच्छा बने और धर्म का कट्टर समर्थक बने, मतलब अपने धर्म को मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके रखे। तो ये दे रखा है का व खा, मतलब पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, है ना। तो ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सत्य का तद्भव बताइए। क्या करना है बच्चों? सत्य का आपको तद्भव बताना है। तो सत्य का तद्भव क्या होता है? तो तद्भव और तत्सम रूप आपको ये सीखना पड़ेगा, ये विद्याज्ञान स्कूल के पेपर में आ सकते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला, तीसरा वाला सत्य,
ठीक है। अब देखो पहला गद्यांश हम कर चुके हैं आपके सामने बच्चों, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा गद्यांश करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। हमने पांच क्वेश्चन को कर लिया है, अब देखो हम दूसरा गद्यांश करेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से बस वीडियो को देखते रहना, गद्यांश देख लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे गद्यांश होने वाले हैं और ये विद्याकांत स्कूल के पेपर में आने वाले हैं। ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं करवाते हम, ठीक है। मैं खुद विद्याकांत स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या आएगा क्या नहीं। और भी लोग यूट्यूब पर बना रहे हैं पर उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी डाले जा रहे हैं वो, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग। आगे देखो हम इसको पढ़ेंगे, हमारा ये दूसरा गद्यांश है और इसमें भी पांच क्वेश्चन है और ये वीडियो मतलब तब एंड कर देंगे हम। हमने बोला कि ये पार्ट वन है वीडियो का हिंदी का, और इस तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, बस आपको देखना है और एंजॉय करना है और पढ़ाई करनी है अच्छे से, कह रहे हैं। अब देखो गद्यांश पढ़ने का एक मैं एक सीधा सा मतलब बता देता हूँ। जब मैं गद्यांश मतलब मैं गद्यांश पहले पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। अब देखो अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर इसमें से आंसर करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। पर ऐसा आपको नहीं करना है, अगर आपके पास आप जिस तरीके से करते हो, जिसको आपको अच्छा लगे उस तरीके से करें ना, पर आप इसको पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। देखो कह रहे हैं, मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं, रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबोहवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में मैं ही लेता हूँ। मुझे पता है कि ये जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले जाते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर में स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन्हें अशिष्ट अमीरों के भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने के स्वर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए तर्ज पर इसमें दिखावे की भावना उबल खाती है। असल में ये ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मतलब क्या है, जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घर की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझे रमी है। आज भी उस मिट्टी का झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता हूँ। वह मिट्टी बाहर से चाहे ना दिखाई दे, अपनी महक और रमस्या से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े यहाँ तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, हाथापाई भी होती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते पर एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होती कि ये लड़ चुके होंगे। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो इन्होंने क्या है, मतलब एक लेखक है, उसका भी मतलब घर ढाबा वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ पर जो गरीब लोग काम करने वाले हैं तो उनके वो आते हैं, काम करते हैं बाहर बिखा बिहार बंगाल साइड से, तो वो आते हैं। तो एक गाँव मतलब वो कवि को लोग कह रहे थे, उसके आसपास पड़ोस वाले कह रहे हैं, ये इन लोगों को तुम आने क्यों देती है, गंदगी फैलाते हैं पूरी सोसाइटी में। तो कवि कह रहा है, मैं भी एक गाँव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने भी गरीबी देखी है, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इन लोगों का दर्द समझता हूँ। तो इसी बात को लेकर ये पूरा गद्यांश था। अब गद्यांश को हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। गाँव से शहर आ बसे गरीब, सरेसा गाँव के आ बसे मजदूरों की दुनिया, लेखकों को उकसाने वाला पड़ोस, अमीर किंतु अशिष्ट लोग। इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। गाँव से शहर आ बसे गरीब, शहर से गाँव से आ मजदूर की दुनिया, लेखक को उकसाने वाला पड़ोस, अमीर किंतु अशिष्ट लोग। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इस दुनिया का कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। देखो कह रहे हैं, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, हथापाई भी होती है। यहाँ पर हमने क्या मतलब ये पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब पूरे गद्यांश को पढ़ के हमने क्या समझा, यही पूछा गया है कि इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। गाँव से शहर आ बसे गरीब, नहीं। शहर से गाँव आ बसे मजदूरों की दुनिया, बिल्कुल नहीं। लेखक को उकसाने वाला पड़ोसी, जो लेखक को जो उकसा पड़ोसी था उसने बोला कहा, यार इनको बैठने क्यों देते हो, ये होगा। अमीर किंतु अशिष्ट लोग, क्या कह रहे हैं, चौथा वाला, अमीर किंतु अशिष्ट लोग। अमीर दुनिया कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। लेखक को मतलब ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा होगा, यहाँ पर इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये आप जिसको आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब एक सही ढूंढते हैं इसमें, लेकिन मुझे कोई प्रति गांठ नहीं पाता। वो तीसरे दिन परस्पर हंसते बताते हैं, तो कह रहे हैं इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, हताई पी भाई, तो लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं आता। देखो अब कह रहे हैं, अब पहला क्वेश्चन देखो, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। तो दुनिया का संकेत क्या है भैया, गांव से आने वाले, शहर से आप लेखक को उकसाने वाला पड़ोसी, ये तीसरा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे देखो कह रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा, क
कहानी, जीवनी, स्मरण, रेखाचित्र। तो ये जीवनी तो है नहीं किसी की, संस्मरण कहानी, तो एक इसको हम कह सकते हैं कहानी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हम देखिए जो कहानी होती है बहुत बड़ी टाइप की होती है, जीवनी किसी की मतलब जीवन के बारे में उसे जीवनी कहते हैं, संस्मरण रेखाचित्र तो वगैरह तो उसमें कोई नहीं था, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है, जीवनी कहानी वाला। आगे देखो, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं, लेखक के परिचित लोग, अशिष्ट रेड़ी पटरी वाले, देखो ये तो गरीब लोग होते हैं, ये तो कुछ बोलते नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, गांव से आए गरीब लोग बिल्कुल नहीं करते, अमीर किंतु असभ्य लोग, अमीर लोग होते हैं और जिनको पैसे की वैल्यू नहीं होती, हंगामा खड़ा कर देते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा वाला ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमने एक दो तीन क्वेश्चन कर लिए इसका गद्यांश के, मैंने बोला प्रत्येक गद्यांश में पांच क्वेश्चन आते हैं और हमने दो गद्यांश कर लिए इस वीडियो में, ठीक है। और आने वाले जो हिंदी के वीडियो होंगे उनमें हम सभी में दो दो गद्यांश करेंगे, बस आपको डेली वीडियो देखते रहना है और हर दिन आपको नया गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, दो दो गद्यांश नए मिलेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने हमारे जो पांच मॉडल पेपर है वो आपने नहीं खरीदे तो वो आप जरूर ले लेना, क्योंकि मॉडल पेपर आप जब तक नहीं खरीदोगे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छे से, मॉडल पेपर हमने बहुत अच्छे बहुत ही मेहनत तरीके से बनाए हैं, तो आप उन मॉडल पेपर को जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी गद्यांश का, लेखक लोगों की शिकायतों के हल्के में ले लेता है क्योंकि शिकायत करना लोगों की आदत होती है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि ये दे रखा है, ये शिकायत करना लोगों की आदत होती है। और देखते हैं तीन ऑप्शन अगले पेज पे हमारे, उसके बाद ये वाले ऑप्शन आ चुके हैं तीन अगले ये वाले हैं, वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेखक उन्हें जानता पहचानता है, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। देखो मतलब मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, क्वेश्चन हमारा कह रहा था, अभी रुकिए ये भी ध्यान उधर रख देता हूँ, क्वेश्चन हमारा ये था बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, लेखक लोगों की शिकायतों के हल्के में, देखा जो शिकायत करते हैं लोग उनकी बातों को वो क्या मतलब क्यों हल्के में क्यों लेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो गरीब लोग हैं मतलब वो गरीब लोग कमाने खाने के लिए आए हैं, उनकी बात को वो गंभीरता से नहीं लेता, ठीक है, मैं किसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेखक उन्हें जानता पहचानता है, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। देखो जो लोग उसे शिकायत करते हैं तो लोग वो जो लेखक है उन्हें अच्छी तरह से जानता है, ये लोग कैसे हैं, इनको पैसों का घमंड है और ये गरीब मजदूरों के लिए मतलब जीने नहीं देंगे उन्हें, है ना, तो उन्हें अच्छी तरह से जानता है और उनकी बात को ध्यान ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है, वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि वो अच्छे से लोगों को जानता है, जो अमीर लोग उससे शिकायत करते हैं, शिकायत करना लोगों की आदत होती है ना, तो जो मतलब ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, किसमें दे रखा है ये हमारा ऑप्शन नंबर थ्री में दे रखा है, लेखक उन्हें अच्छे से जानता है, वो शिकायत करने की उनकी आदत सी है, ठीक है, कह रहे हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड होने वाला है, उससे पहले आप एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो अच्छे से तैयारी करवा रहा है आपकी हमारा अजय विद्यागन यूट्यूब चैनल है, आपको डेली बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और मैं खुद विद्यागन स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ, साथ में नवोदय विद्यालय की परीक्षा को भी पास कर चुका हूँ, और हमें पूरा आइडिया है कि कैसे विद्यागन स्कूल की परीक्षा पास की जाती है, ठीक है। 2019 में मैंने पेपर दिया था विद्यागन स्कूल का, दोनों प्रीलिम्स, इसके तीन पेपर होते हैं, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम हो गया, ठीक है, दोनों तीनों चारों एग्जाम में पास कर चुका हूँ, तीन एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स मेंस होता है, उसके बाद आपका तीसरे में आपको कोई टेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें आपका मेडिकल होता है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मेडिकल, और आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, ठीक है बच्चों, क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है विद्याज्ञान स्कूल में, तो कह सकते हैं मैं आपके चार पेपर होते हैं विद्याज्ञान स्कूल के, वैसे तो मैं दो ही मेन मानता हूँ, एक प्रीलिम्स और ये दूसरा, ये दोनों टफ एग्जाम होते हैं, बाकी तीसरा तो हो ही जाता है जैसे तैसे करके, ठीक है बच्चों, तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में सभी एग्जाम पास कर चुका हूँ विद्याज्ञान स्कूल के, और आपके यहाँ पर मैं तैयारी करवाई जा रहा हूँ एकदम फ्री में, और हमारे द्वारा आप सभी के लिए अच्छी तैयारी के लिए पाँच मॉडल पेपर बनाए गए हैं, अगर आप वो मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो हमारा ये वाला नंबर है 6280935779। अब मॉडल पेपर का क्या मतलब होता है, जो आपका परीक्षा होगी 18 दिसंबर को विद्याज्ञान स्कूल की, वो परीक्षा सेम टू सेम उसी परीक्षा में जो क्वेश्चन मैंने बनाए 100% एग्जाम में फंसने वाले हैं, क्या होने वाला है बच्चों, उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेने हैं। मॉडल पेपर का प्राइस बताऊँ तो 375 रुपये के आपको पाँच मॉडल पेपर मिलेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ PDF के जरिए ऑनलाइन मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों, क्या मिलने वाले हैं ऑनलाइन PDF आपको कहाँ पर भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा PDF, आपके व्हाट्सएप पर आप PDF ले सकते हो, ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि वह क्या आपको बुरा नहीं लगता, लोग जो है वो जो लेखक अपनी जो कहानी लिखी है उससे पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, है ना, लेख लोगों से पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, वे लोग आपस में गंदी बिखेर देते हैं, वे लोग से रिश्त रहते हैं, उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं है, वे गंदे लोग हैं, तो क्या है जो लोग उनसे लेखक से या फिर कवि से शिकायत करते हैं उन्हें ना क्या है, उन्हें गरीबों की मतलब मेल जोल से मतलब क्या है पसंद नहीं है, है ना,
तो वो गरीबों से बहुत ज़्यादा जलते हैं लोग, अमीर लोग होते हैं वो गरीबों से जलते हैं, ये तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है ना बच्चों। तो यही बात है कि ऑप्शन नंबर ये वाला तीसरा हमारा मैं बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं है ना, तो इसलिए वो उसकी शिकायत करते रहते हैं, है ना। और यही था क्वेश्चन में, लेखक को क्यों पूछते हैं कि वे आपको बुरा नहीं लगता, है ना, क्योंकि उन्हें पूछती इसलिए है कि मतलब उन्हें गरीबी से मेलजोल पसंद नहीं है, और जो लेखक है वो गरीबी से आया हुआ व्यक्ति है, तो उन्हें गरीबों की कदर है, वैल्यू है, है ना। तो यही था आज के वीडियो में, आपने देखा कि हमने कितने कितने अच्छे गद्यांश किए, और इस गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही थी, दो गद्यांश हम कर चुके हैं, देखो ये एक ये वाला गद्यांश था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के, है ना, और इसको आप कीजिए करें। और प्रत्येक गद्यांश में जो आपके विद्याज्ञान स्कूल का पेपर होगा 18 दिसंबर को, उसमें आपके चार गद्यांश आएंगे, प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसी के बेस पर हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और मैं खुद विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी पूरी की पूरी तैयारी अजय विद्याज्ञान यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। ये हमारा पार्ट वन था जो डेली अपलोड होगा, पार्ट टू आपका कल अपलोड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके डेली डेली आपको एक एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।